तो गैच आप भी अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो और गैच आपका शॉर्ट वीडियो से कोई भी वॉच टाइम काउंट नहीं होता, जैसे कि एड नहीं होता है। तो गैच आज के इस वीडियो में आपको ऐसा एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक जैसे आप अपना YouTube शॉर्ट वीडियो पर अप्लाई करते हो तो गैच आपको YouTube शॉर्ट वीडियो से मिलने वाला है वॉच टाइम। और गैच आप अपने YouTube चैनल पर 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। तो गैच चलो बिना टाइम वेस्ट करते हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैच आप जब भी अपना शॉर्ट वीडियो को एडिट करते हो तो गैच आपको वहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखना होगा, तभी गैच आपको उस वीडियो से वॉच टाइम मिलने वाला है, जैसे कि शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम मिलने वाला है। तो गैच मैं अभी आपको यहाँ पर काइन मास्टर में एक वीडियो एडिट करके सिखाने वाला हूँ, तो गैच आप पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर को भी यूज कर सकते हो। तो गैच यहाँ पर आपको क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है और गैच यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो गैच यहाँ पर आप लोग 9:16 को सेलेक्ट करके अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर लेते हो, जैसे कि बना लेते हो। तो गैच आपको 9:16 रेशियो को सेलेक्ट नहीं करना है, तो गैच उस वीडियो से आपको कोई भी वॉच टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको भी शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम चाहिए तो आपको 16:9 रेशियो को सेलेक्ट करके अपना शॉर्ट वीडियो को क्रिएट करना है, बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 16:9 रेशियो को सेलेक्ट कर दिया, तो गाइस इसको नेक्स्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर आप मीडिया पर जाके कोई भी फोटो इमेज वीडियो जो भी आप अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर ऐड करना चाहते हो तो बस उसको ऐड करके अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस उस वीडियो से आपको वॉच टाइम मिलने वाला है। तो गाइस आज का वीडियो में कुछ इतना ही था, फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।